मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यभार संभालते ही जो सबसे पहले आदेश जारी किया था वह था प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर पर बैन लगाने का। उन्होंने इस प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि धर्म स्थलों पर निर्धारित डेसिबल से अधिक मापदंड पर स्पीकर बजाए जा रहे हैं, जिससे आम जनमानस को परेशानी आ रही है। उस समय गोटेगांव में धार्मिक स्थलों से स्पीकर उतारे गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के चलते यह मुहिम धीमी पड़ गई थी। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक में एक बार फिर अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी थी, जिससे गोटेगांव पुलिस ने भी एक्शन मोड पर आकर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की मुहिम तेज की है। निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज करने वाले तमाम लाउड स्पीकर पर लगाम लगाई जा रही है। गोटेगांव पुलिस ने स्टेशन रोड स्थित शकूर बाबा मस्जिद में लगे स्पीकरों को हटाया। पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर अमित कुमार के निर्देशन में गोटेगांव पुलिस SDOP भावना मरावी और थाना अध्यक्ष सहदेव साहू ने समाज के गणमान्य नागरिकों से संवाद एवं समन्वय बनाकर लाउड स्पीकर उतरवाए। बिना किसी बवाल के जिस तरह गोटेगांव पुलिस ने कार्रवाई की है उसकी जमकर तारीफ हो रही है। पुलिस के अनुसार शोर सीमा का उल्लंघन करने वाले सभी स्पीकरों को हटाया जाएगा, क्योंकि इससे जनता के अधिकार प्रभावित होकर असुविधा हो रही है। उन्होंने सभी धर्मगुरुओं और लोगों से अपील की है कि यह अभियान लगातार चलेगा, इसलिए निर्धारित मानक से अधिक शोरगुल फैलाने वाले सभी स्पीकरों को वह स्वयं हटाकर सहयोग करें। मैम, आज शकूर बाबा मस्जिद से कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत स्पीकर साउंड बॉक्स नीचे उतारे गए, क्या कहना चाहेंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक स्थलों से जो साउंड बॉक्स कम करने उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। चुनाव की व्यस्तता के कारण अभी कई दिनों से कार्रवाइयां बंद थी, अब लगातार इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। मैम, क्या ऐसे गोटेगांव में और भी सार्वजनिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं जहां पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं? इनके लिए पता लगाया जा रहा है, जहां तक की जानकारी ली गई अभी तक तो नहीं है, पर आते हैं जैसे शिकायत भी आती है जानकारी लगती से तो आगे भी लगातार ये कार्रवाई की जाएगी। गोटेगांव से अनिल जैन की रिपोर्ट।